क्यों आज वीडियो नहीं आएगी? वैसे तो 10 बजे वीडियो आती है यूट्यूब पे। आज के बाद कोई वीडियो नहीं आएगी, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा मेरे साथ बहुत बड़ा रीजन है, सही बताऊं तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आप लोग बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है, तो मैं बता दूंगी अभी आपको। पर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, मैं आज के बाद मेरी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आएगी ही नहीं। तो वो 2 सालों से मेहनत चली है उसका क्या? 2 साल नहीं भाई, 3 साल होने वाले हैं। 3 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और जो ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं करते हैं। इन लोगों के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी जाती, सब कुछ जाता, पर इन लोगों को कुछ भी नया सीखना नहीं है। तो भाई किसके लिए वीडियो डालेंगे? तो वीडियो ही नहीं डालेंगे, आज के बाद यूट्यूब खत्म। भाई अपनी रियल लाइफ में जिएंगे, क्योंकि हम रियल लाइफ से ज्यादा फोकस यूट्यूब पे करते हैं और यूट्यूब पे हमें सपोर्ट ना मिले या यूट्यूब पे हम ग्रो ना कर पाए तो क्या फायदा वीडियो डालने का, बताओ। तो प्रॉब्लम तो बताओ सबको, बात क्या है? प्रॉब्लम मेरे साथ आज मॉर्निंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो आप लोग सबसे पहले भाई वीडियो देखते रहना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर क्या वीडियो आने वाली है शाम को। तो देखिए आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब मैं सुबह उठी थी तो सुबह जब मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन करके देखा तो वहां पर मतलब मेरी 5 दिन की वीडियो पूरी तरीके से गायब। ऐसे कैसे हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे काम क्यों करें? और ऐसे मेरे साथ में बहुत सारे क्रिएटर हैं जो काम कर रहे हैं और जो काफी अच्छा ग्रो कर चुके हैं और मैं सालों से मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे कोई ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। मैं कोई यहाँ पे कितना भी अच्छा कंटेंट बना दूँ, कितने भी अच्छे से थंबनेल लगा दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर दोस्तों मेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते। आखिर क्या प्रॉब्लम है? यूट्यूब की सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी क्यों है? आखिर ऑडियंस मुझे ही सपोर्ट क्यों नहीं करती, बाकी सबको सपोर्ट क्यों करती है? मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है। तो बताइए आप लोग कि मतलब वीडियो कैसे बनाए? डीमोटिवेट हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। गांव वाले हैं वो भी ताने देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, मतलब आप लोगों को पता है कि गांव में क्या होता है, यूट्यूब को लेके लोगों की क्या सोच रहती है। तो आप लोग भी अच्छे से समझते होंगे कि मतलब आखिर यूट्यूब पे अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और दोस्तों ये बात मैं अपने ऊपर नहीं कह रही थी, ये बात मैं आप लोगों के ऊपर कह रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए कंपलसरी वीडियो है। और दोस्तों जो प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि मतलब जो मेरी 5 वीडियोस हैं वो यूट्यूब की तरफ से अभी तक मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप बहुत मोटिवेट होने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो ये आप लोग मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं या मतलब कलर देख रहे हैं, मैं नहीं था पहले, क्लियर बताऊं आप लोगों को। तो मैंने यूट्यूब से पैसा कमा के इस सबको सही कराया है। पहले ना मेरी फर्श थी, वो बिल्कुल टूटी हुई थी, और आज के टाइम पे आप फर्श देख सकते हैं, अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फर्श है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को पूरा बताऊं तो पूरी तरीके से हमने अपने घर को चेंज करा दिया सिर्फ यूट्यूब के पैसों से। अगर आप लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं कि आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाएंगे और आप यूट्यूब को छोड़ना चाह रहे हैं कि अब मैं स्टडी भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा जो दिन रात का जो समय है वो पूरा का पूरा यूट्यूब की टेंशन में चला जा रहा है, तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दोस्तों ऐसा आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितना आप खुद से डीमोटिवेट होंगे, बाहर के 10 लोग आपको भाई डीमोटिवेट करने आ जाएंगे। अगर आप खुद के अंदर से अगर मोटिवेट रहेंगे तो दोस्तों बाहर के चाहे 10 लोग आ जाएं आपको डीमोटिवेट करने, आप लोग तब भी नहीं होंगे डीमोटिवेट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कर सकता हूं और आपको अपने मन में भी यही रखना है कि मैं कर सकता हूं। इसलिए आप लोगों को कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको पता है कि अभी सबका व्यूज डाउन चल रहा है, आपका भी चलता होगा या आपके अभी तक वीडियो पे 5, 10, 15, 20 व्यूज आते होंगे। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, एक समय ऐसा था कि मैंने भी यहीं से स्टार्टिंग की। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे एक बार ग्रो हो जाएंगे तो आप व्यूज पे कभी फोकस करेंगे नहीं। आप लोग तब तक व्यूज पे और सब्सक्राइबर पे फोकस करते हैं जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं होता है। तो आप लोगों को भाई बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग अगर यूट्यूब पे आए, आप लोग काफी लोगों के मन में एक डाउट और है कि मतलब यूट्यूब पे कॉम्पिटिशन बहुत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आजकल ऐसा कौन बंदा है जिसके पास मोबाइल नहीं है और ऐसा कौन है जो YouTube पे वीडियो देखता है? तो आप लोगों को पता है जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना मोबाइल यूजर भी बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को देखने वालों की भी संख्या बढ़ रही है और वीडियो बनाने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। तो आप इस चीज को अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल दें कि आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पे अगर आप यही सोच लेके आएंगे तो आप यूट्यूब पे कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो गाइस डीमोटिवेट हुए बिना भाई रेगुलर काम करो, कोई कुछ भी कह रहा है उसको इग्नोर करो और अपने काम पर पूरा फोकस करो।
क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपने काम पे पूरा फोकस किया, डेली मेरी एक वीडियो आती है और दोस्तों आती रहेगी। जो आपने थंबनेल देखा कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, दोस्तों ये मैंने अपने ऊपर नहीं, ये आप लोगों के ऊपर लिखा है कि आप में से काफी क्रिएटर है जिनका मन है यूट्यूब छोड़ने का। आपको यूट्यूब नहीं छोड़ना है, बस आपको तरीका बदलना है, इरादे नहीं बदलने अपने कि मैं YouTube छोड़ दूंगा, अपना काम करने का तरीका बदलो, ग्रोथ अपने आप आपको मिल जाएगी। तो बस डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, रेगुलर काम करते रहना और भाई कोई कुछ भी कहे उसको इग्नोर करते रहना। बाकी आपको जब मंजिल मिलेगी, जो लोग भी कुछ भी कह रहे हैं ना, उनका सबका मुंह एकदम से बंद हो जाएगा। तो बस आप लोग अपने काम पे फोकस कीजिए। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग आज की वीडियो से मोटिवेट हुए हो तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।